दुआ मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, खुशियां मिले जग से, रहमत मिले रब से, स्नेह मिले सब से, बस यही दुआ है रब से, सब खुश रहे आप से और आप खुश रहे सब से। बाल साधना परिवार की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में नरेश जांगिड़ आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता है। पीछे की वीडियोज में बेटा अपन पॉलीमर के बारे में अपन रीड कर रहे थे। पॉलीमर जो होते हैं ऐसे सबस्टांस है जिनका आणविक द्रव्यमान उच्च होता है, इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल भी कहा जाता है। न्यूमेरिकल पीछे अपन ने पढ़ा था तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल को लेकर मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। किसी बहुलक के आणविक द्रव्यमान को औसत आणविक द्रव्यमान के रूप में, बहुलक के आणविक द्रव्यमान को औसत के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि विभिन्न बहुलकों में एकलक अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसी बहुलक के आणविक द्रव्यमान को दो प्रकार से दर्शाते हैं, एक संख्या औसत अणु भार, दूसरा भार औसत अणु भार। संख्या औसत अणु भार की बात करें तो इसका मापन किसी बहुलक नमूने में बहुलक अणुओं के कुल भार में बहुलक अणुओं की संख्या का भाग दे दें। शॉर्ट में पीछे की वीडियोज में आपको पढ़ा दिया, कन्फ्यूज है अब बच्चे दूर कर सकते हैं, रेगुलर वीडियो देखिए। किसी बहुलक नमूने में बहुलक अणुओं के कुल भार में बहुलक अणुओं की संख्या का भाग दे दिया जाए तो प्राप्त जो ये अनुपात है वो कहलाता है संख्या औसत अणु भार, जिसको अपन ने यू पढ़ा था एम बार एन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डॉट 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 डब्ल्यू आई बट्टे एन वन प्लस एन टू प्लस डॉट 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 एन आई। चूँकि भार W इज इक्वल टू होता है अणुओं की संख्या गुणा आणविक द्रव्यमान, अणुओं की संख्या माना बहुलक नमूने में स्मॉल m n स्मॉल n तथा बहुलक अणुओं का आणविक द्रव्यमान कैपिटल M हो तो इसी को बेस मानकर भार बराबर अणुओं की संख्या गुणा आणविक द्रव्यमान, इसके आधार पर W1 बराबर N1 M1, सिमिलरली W2 बराबर N2 M2 एंड सो ऑन। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M बार N इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस डॉट 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 Ni Mi बट्टे N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 Ni। ये सभी का टोटल बहुलक नमूने में उपस्थित समस्त बहुलक अणुओं के कुल भार, इट मीन्स समेशन ऑफ एन आई एम आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन आई। इस फॉर्मूले से अपन बहुलक अणुओं के संख्या औसत अणु भार का मापन कर सकते हैं। काफ़ी इस पर आपको न्यूमेरिकल करवाए, मैंने भी सोल्व किए, होमवर्क भी आपको दिए। दूसरा जो प्रकार है वो है संख्या सॉरी भार औसत अणुभार एम बार डब्ल्यू, उसका मापन किससे करते हैं, किसी बहुलक नमूने में बहुलक अणुओं के कुल भार को आणविक द्रव्यमान से गुणा कर दें, कुल भार को आणविक द्रव्यमान से गुणा कर दें तथा कुल भार का भाग दे दें, तो इस प्रकार प्राप्त जो आणविक द्रव्यमान होगा बहुलक नमूने का उसे कहेंगे भार औसत अणुभार आणविक द्रव्यमान। कुल भार किसके द्वारा डिनोटेड करते हैं, एन एम के द्वारा, आणविक द्रव्यमान को एम के द्वारा। इट मीन्स ये सारा रफली आपको समझा रहा हूं एक बार पुनः, किसी बच्चे को कोई डाउट हो, किसी वीडियो को मिस कर दिया हो, इन पे न्यूमेरिकल वगैरह वो आने के अच्छे चांस है तो मैं इनको पुनः रिपीट कर रहा हूं। कुल भार एन गुणा एम आणविक द्रव्यमान कैपिटल एम, इट मीन्स ये क्या हुआ एन एम स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर काम में ले बहुलक नमूने के लिए तो क्या होगा बेटा, एन वन, मैं सिंपल में रिपीट कर रहा हूँ, एन वन एम वन स्क्वायर
एन टू एम टू स्क्वायर एंड सो ऑन एन आई स्क्वायर, और कुल भार वो निकालते हैं एन वन एम वन के द्वारा, अभी अपन ने पढ़ा। तो इसको अपन देखें, इस वे में अपन फॉर्मूले को डिजाइन करें तो क्या हो जाएगा, इन वैल्यूज को पुट अप कर दें तो क्या बन जाएगा, एन वन एम वन स्क्वायर प्लस एन टू एम टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन आई एम आई स्क्वायर बट्टे एन वन एम वन प्लस एन टू प्लस डॉट 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 एन आई एम आई। ये सभी के टोटल को शो करता है, तो समेशन ऑफ एन आई एम आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन आई एम आई। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन भार औसत अनुभार का मापन कर सकते हैं। तो देखो इन दोनों फॉर्मूले को आप रिमेम्बर रखिए और इनके द्वारा आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। आपको मैंने भी न्यूमेरिकल सोल्व करके बताया, होमवर्क भी दिए, आपने अपने आंसर को मैच करके भी देखा है कि आपको कितना तैयार हुआ, एक बार पुनः इनको मैंने रिपीट कर दिया है। इसके बाद बेटा अपन जो पढ़ रहे थे दैनिक जीवन के उपयोगी जो औद्योगिक महत्व के जो बहुलक उनके बारे में पढ़ रहे थे, अपने पॉलीथीन के बारे में पढ़ा, मैं इनको समराइज कर रहा हूँ। पॉलीथीन जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन भी होता है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा इसी ऑर्डर में जो भी था ऑर्डर में, अपन ने नायलॉन डबल सिक्स के बारे में पढ़ा, नायलॉन सिक्स के बारे में पढ़ा, नायलॉन सिक्स के बारे में पढ़ा जिसका एक लग क्या होता है, जिनको आपको अच्छे से याद रखना है, कैप्रोलैक्टम होता है। क्या होता है बेटा, कैप्रोलैक्टम होता है। इसी तरह से अपन ने पढ़ा नायलॉन डबल सिक्स जिसके एकलक कौन कौन से होते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडीपी कमल होते हैं। ऐसे अपन ने पॉलीएस्टर के बारे में पढ़ा और पॉलीएस्टर का एग्जांपल क्या लिया था, अपन ने पढ़ा बार बार दो तीन वीडियोज में पढ़ा, अपन ने अलग अलग वीडियोज में अलग अलग एग्जांपल क्लासिफिकेशन में अलग, और यहाँ अपन दैनिक जीवन के उपयोगी औद्योगिक महत्व के बहुलक पढ़ रहे हैं। टेरिलिन किस किन एकलकों का बहुलक होता है, सॉरी टेरिलिन किन का होता है, आपने पढ़ा एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा ट्रिप्थैलिक एसिड, इनके बारे में किसी भी बहुलक जो भी होता है एकलकों के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए और बहुलक की स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आपका इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। इसी ऑर्डर में अपन ने पढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट बकेलाइट, क्या पढ़ा अपन ने बकेलाइट, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इन एकलकों से बना हुआ बैकेलाइट। जब इनका संघनन बहुलीकरण होता है तो दो प्रकार से होता है संघनन की क्रिया, एक रेखीय बहुलक बनता है नवोलक, बहुत इंपॉर्टेंट नवोलक, और दूसरा प्रारंभ में इन दोनों की क्रिया से आपको पढ़ा गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल बनता है, जिनके क्रॉस संयुग्मन से एक त्रिविमीय जालक बद्ध बहुलक बनता है जिसको बोलते हैं बैकेलाइट। बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है, अच्छे से तैयार कर सकते हैं, कंपटीशन में भी इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पीछे एक पेपर करवाया था आपका, अभी मैंने उसका सॉल्यूशन बताया नहीं, मुझे जाना बेटा वो, यदि कोई बच्चा पीछे के वीडियोज में किसी को डेटाज की प्रॉब्लम हो, मोबाइल वगैरह की दिक्कत हो, किसी बच्चे को इन वीडियो क्लासेज को अटेंड करने की दिक्कत हो तो बच्चे कवर कर ले, इसलिए आपको मैंने उनके आंसर नहीं करवाए, सभी को अच्छा मौका दे बेटर करने के लिए। ये बैकेलाइट होगा। ऐसे अपन ने बीच में एक पीछे अपन ने पढ़ा था इनसे पहले रबर के बारे में पढ़ा, मैं उनको भी मैं रिवाइज कर देता हूँ, ये जरूरी होता है बेटा रिवीजन करना, आपको भी करना चाहिए, हो सकता है कोई बच्चा नहीं कर रहा हो तो उनको मैं याद दिला रहा हूँ कि अपन ने क्या क्या खास इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन ने पढ़ी जो बोर्ड में आपसे क्वेश्चन हो पूछे जा सकते हैं। रबर, रबर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक अपन ने पढ़ लिया प्राकृतिक रबर, जो रबर की एकलक इकाई क्या होती है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती है योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है तो पॉली आइसोप्रीन बनता है। पॉली आइसोप्रीन के दो समावयवी रूप होते हैं, एक होता है समपक्ष और दूसरा होता है विपक्ष। समपक्ष रूप जो होता है वो प्राकृतिक रबर होता है जिसमें आइसोप्रीन इकाइयाँ समपक्ष रूप से आपस में जुड़ी जाती है। आपको इनकी स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करवाई, अच्छे से तैयार कीजिए रफ वर्क करके, अभी तक आपने तैयार नहीं किया तो उनको तैयार कीजिए। समपक्ष, समपक्ष पॉली आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर होता है,
एकल की इकाइयों के कौन से योग से प्राकृतिक रबर बनता है? 1-4 योग से, जिसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आइसोप्रीन जो होता है, इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको बताया था, वन थ्री ब्यूटाडाई, इनमें जो दो नंबर कार्बन है उसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन मैथिल समूह द्वारा कर दें तो क्या बन जाएगा, 1,3-ब्यूटाडाइन का व्युत्पन्न बन जाएगा आइसोप्रीन। आयुपैक नाम आपको पता है, इधर से इसी से अपन नंबरिंग दे देंगे, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। आइसोप्रीन का ये संपर्क रूप से जुड़ती है तो प्राकृतिक रबर बनता है, और विपक्ष रूप से बनती है तो गट्टा पारशा बनता है, गट्टा पारशा बनता है। रबर के पेड़ का नाम आपको बताया था, हैवी ब्रशिलियनसिस बताया था। तो बेटा इनके बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। बकेलेट के बारे में अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, और अब अपन पढ़ते हैं इस वीडियो में अगला 8वां जो अपन पढ़ रहे थे। ये सारा बेटा आपका नियर अबाउट 7-8 मिनट आपके लिए इनको रिवाइज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने इनको पुनः रिपीट कर दिया इनको। आई होप आप रेगुलर बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आपको करने भी चाहिए। 8वां जो पॉइंट है अपन जो पढ़ रहे थे, औद्योगिक महत्व के जो रबर पढ़ रहे बहुलक पढ़ रहे थे उपयोगी, उनमें है टेफ्लॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन फिर कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आते हैं टेफ्लॉन, जिसको अपने शॉर्ट में पीछे की वीडियोज में वर्गीकरण में पढ़ा था, PTFE, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन। पॉली सम बहुलकों के साथ लगता है, टेट्रा TE, देखो इसको बेटा अपन पॉली टेफ्लॉन बोलते हैं, तो देखो TEFLON, TE टेट्रा, F फ्लोरो, और आगे इथिन जोड़ देंगे, फ्लोरो इथिन। इससे आपको पता चलेगा कि इसमें एकल कौन कौन से स्ट्रक्चर। एथिन में से चारों हाइड्रोजन को फ्लोरीन द्वारा रिप्लेस कर दें तो क्या बनेगा, टेट्रा फ्लोरो एथिन। देखिए बेटा ये क्या है, एथिन, दो हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है, इनको फ्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दें, कंप्लीट हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, देखिए बेटा CF2 डबल बॉन्ड CF2, क्या बना, टेट्राफ्लोरोएथीन। आपको ये इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आनी चाहिए, बहुत ईजी होती है। एन इकाई आपस में जुड़ेंगे, योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया होगी, वही आपको तरीका बताया था, पाई बॉन्ड खुल जाएगा, वीक होता है, और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और इन वैलेंसी से बहुत सारी एन इकाई आपस में योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा जुड़ जाएंगी, और इसे बना बहुलक कहलाएगा टेफ्लॉन। जो एक सम बहुलक है, एक ही प्रकार की एकल की कहीं जुड़ रही है तो नाम क्या हो जाएगा, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथेन, ये बन जाएगा। इसका निर्माण मुक्त मूलक, वेरी इंपॉर्टेंट, मुक्त मूलक या पर सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, पर सल्फेट उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ये प्रक्रिया होती है। उच्च दाब पर इन एन इकाइयों को उच्च दाब पर गर्म करते हैं, मुक्त मूलक या पर सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो योगात्मक सम बहुलक बनता है टेफ्लॉन। फिर इसके गुणधर्म की बात करें बेटा, गुणधर्म में सबसे पहला यह कार्बनिक विलायकों व जंगरोधी क्षारों से क्रिया नहीं करता, कार्बनिक विलायकों व जंगरोधी क्षारों से कोई क्रिया नहीं करता। ऐसे ही एक रेखीय व क्रिस्टलीय बहुलक है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेखीय वक्रिष्णीय बहुलक है, जो प्रबल अमल जैसे HNO3 में भी एविले रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HNO3 नाइट्रिक एसिड, एक होता है HNO3, एक होता है HNO2, ये होता है नाइट्रिक अमल, ये होता है नाइट्रस अमल। HNO2 क्या होता है, नाइट्रस अमल, अस्थायी अमल है। अब अभी ये नाइट्रोजन के आप पढ़ रहे हैं, ऑक्सो अम्लों में इसकी स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करें नाइट्रिक एसिड की, तो HON डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, इस तरह से ये SNO3 की स्ट्रक्चर है। तो प्रबल खनिज अम्ल में भी टेफ्लॉन क्या होता है, एविले रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखना है। उसे ताप पर स्थायी होता है, रेखीय व कृष्णीय बहुलक होता है, प्रबल अमल जैसे खनिज HNO3 खनिज अमल है नाइट्रिक एसिड, इसमें भी एविले रहता है, जंगरोधी क्षारों से क्रिया नहीं करता है, 573 केल्विन ताप से उच्च ताप पर विघटित होता है, और इंपॉर्टेंट जिसको आपको याद रखना है, 573 केल्विन ताप से उच्च ताप पर ये क्या होता है, विघटित होता है। तो इन बातों को आपको अच्छे से प्रॉपर आपको याद रखना, इनसे आप अपना पॉइंट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर इसके उपयोग है बेटा,
उपयोग की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट उपयोग जो कंपटीशन के पेपर में भी आता है, नए चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं ना, अनटेंशिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनको लेपित लेपित बर्तन बनाने में टेफ्लोन को काम में लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नॉन स्टिकी इंग्लिश में, हिंदी में नए चिपकने वाली सतह है, नॉन स्टिकी से लेपित बर्तन बनाने में टेफ्लोन को काम में लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एज ए लुब्रिकेंट स्नेहक बनाने में या स्नेहक के रूप में। और थर्ड होता है विद्युत रोधी तेल शीलों गैस्केट आदि के निर्माण में इसको काम में लिया जाता है। फिर बेटा अपन होमवर्क के क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ काफी अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ होमवर्क के आपको दिए जाते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपको इसका पता चल जाएगा बेटा। पहला होमवर्क का क्वेश्चन, पान फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए, फटाफट कमेंट करो पान का पूरा नाम। पान बहुलक बनाने में प्रयुक्त एकलव का नाम व इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या है, पान बहुलक बनाने में प्रयुक्त एकलव का नाम व इसका आईयूपीएसी नाम लिखो, एकलव का। और आपको कमेंट क्या करना है, पान का पूरा नाम कमेंट करना फटाफट। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, आप रेगुलर पढ़ो। कुछ बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जब भी टेस्ट लेते हैं और वो कमेंट भी करते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछा तो कमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तशीगलर नट्टा उत्प्रेरक, तशीगलर नट्टा उत्प्रेरक क्या है, मतलब ये इसका समतल लिखना है और इसका उपयोग लिखी। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, एक एरोमेटिक यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कर ताप दृढ़ बहुलक बनाता है, जिसको बनाता है एरोमेटिक यौगिक का नाम लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट कर देता हूं। एक एरोमेटिक यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कर ताप दृढ़ बहुलक बनाता है, एरोमेटिक यौगिक का नाम लिखिए। ऐसे काल्पनिक इमेजिन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इमेजिनरी, वो क्वेश्चन आपसे बोर्ड में केमिस्ट्री के पेपर में जरूर पूछे जाएंगे बेटा, तो आप अच्छे से तैयार रखिए, रेगुलर पढ़िए और वीडियोस को रेगुलर देखिए, पूरा देखिए। कुछ बच्चे मिस कर जाते हैं, आगे की वीडियोस देख लेते हैं, बीच के मिस कर दिए, कुछ वीडियोस पूरे नहीं देखते हैं, तो बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पूरा काम करना होगा। नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन, ब्यूना एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपसे, आप रेगुलर पढ़ के तो देखो, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है कि, यहाँ तक कि कंपटीशन का पेपर भी ऐसा लगेगा हमने ट्वेल्थ क्लास में बहुत कुछ पढ़ के पढ़ा है और इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे, अच्छी रैंक से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे काम करते हैं। ब्यूना एन व ब्यूना एश, इन दोनों के मध्य क्या अंतर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है प्रैक्टिस करने का, पूरा वीडियो देखिए और उसका फायदा उठाइए। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा होमवर्क क्वेश्चन, ये शम बहुलक है या शय बहुलक और क्यों, ये बहुलक की संरचना दी गई क्वेश्चन में, ये शम बहुलक है या शय बहुलक है और क्यों है, शम बहुलक है तो क्यों है और शय बहुलक है तो क्यों है, आपको ये बताना है इसमें, क्लियर। उसके बाद बेटा अपन नया पॉइंट शुरू करते हैं, चैप्टर में अपन एंडिंग की तरफ चल रहे हैं। जैव बहुलक वेरी इंपॉर्टेंट, जैव बहुलक क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट, बायोपॉलीमर, मतलब कुछ बहुलकों के नाम, एकलकों के नाम, उनसे ही आपको पता चलेगा इजी वे में, मैं ये कहना चाह रहा हूं बहुत इजी वे में आप तैयार कर सकते हो इस चैप्टर को। जैव बहुलक नाम से स्पष्ट कि ऐसे बहुलक जो जीव जंतुओं और पादपों में वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे अपने शरीर के अंदर प्रोटीन है, जीव जंतुओं पेड़ पौधों और अपने जंतुओं, अपन एनिमल किंगडम में आते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, मानव जो होता है एनिमल किंगडम का प्राणी है, तो सजीवों के शरीर के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक बहुलक जो उनकी वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जैव बहुलक कहलाते हैं। मतलब आप एग्जाम में इसके बारे में आइडिया भी लगाते हैं ना, तुक्का नहीं कर रहा हूं, आइडिया भी लगाते हैं इसके नाम से, तो भी आपका आंसर राइट होगा इसकी परिभाषा के बारे में और इसके उदाहरण के बारे में भी राइट होगा। देखो मैं ले रहा हूँ, क्या प्रोटीन सजीवों के शरीर में कोशिकाओं में वृद्धि व विकास के लिए जरूरी है, बिल्कुल है, छोटे बच्चों के बढ़ने के लिए प्रोटीन के सोर्स अपन टीवी वगैरह में एड भी अपन देखते हैं,
आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, आई एम, इसी तरह के काफ़ी ऐड आते हैं ट्यूब पर, प्रोटीन के सोर्स होते हैं, बढ़ते बच्चों की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो अपन आइडिया भी लगाए ना तो इसका आंसर बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। तो ऐसे प्राकृतिक बहुलक जो जीव जंतुओं के व पादपों के शरीर में वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं जैव बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है आने वाले वीडियोज में अपन बहुत ही फटाफट पढ़ने वाले, आगे आने वाले समय में जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा और इजी चैप्टर जिसको अपन आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो जैव बहुलक हो गए। नेक्स्ट है जैव निम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत बहुलक, अभी देखो आप इसका भी आप आइडिया लगा सकते, इसके नाम से स्पष्ट है कि जो जीवों से विघटित होते हैं, जीवों की क्रियाओं से विघटित होते हैं, एक आइडिया लगा सकते। तो परिभाषा क्या होगी, ऐसे बहुलक जो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जैव निम्नीकृत बहुलक कहलाते हैं। ये जो एंजाइम जो बहुलकों पर क्रिया करते हैं, जिनको इंग्लिश में एंजाइम कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, विकर, बायोलॉजी में पढ़ते हो। ये एंजाइम जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसके उदाहरण ले अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स, एक ही बहुलक है, दो नहीं है, नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स। बेटा इस चैप्टर में अपन ने नाइलॉन को लेकर तीन प्रकार के बहुलकों के बारे में रीड किया है, एक नाइलॉन टू, सॉरी नाइलॉन सिक्स, जिसका एक लग क्या है कैप्रोलैक्टम, एक अपन ने पढ़ा नाइलॉन डबल सिक्स, जिसके एक लग है एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और एक अपन पढ़ रहे हैं जैव निम्नीकृत बहुलक नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स। तो इनके बारे में कंफ्यूजन हो ना, तीनों अलग अलग हैं, जिनमें जैव निम्नीकृत कौन सा है, नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स, राइट। आपको यही बता दिया नाइलॉन NYLON, इससे बने हुए वस्त्र न्यूयॉर्क और लंदन के बाजारों में, NY से न्यूयॉर्क और लंदन के बाजारों में सबसे पहले इनको बाजारों में बेचने के लिए उपलब्ध करवाया था, लोगों ने खरीदा था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया नाइलॉन। ये भी आपको बताया था। तो जैव निम्नीकृत बहुलक की परिभाषा और उदाहरणों में ऐसे और उदाहरण ले अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PHBV, अक्सर इस पर क्वेश्चन होते हैं, आने वाली वीडियो में इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये क्या है, जैव निम्नीकृत बहुलकों के उदाहरण। इन बहुलकों से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि ये एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। ये प्राकृतिक व संश्लेषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक भी हो सकते हैं और निर्मित प्रयोगशाला में मैन मेड सिंथेटिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आई होप बेटा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुख्य बात यही है आप वीडियोस को रेगुलर देखें, यदि कोई बच्चा मिस कर रहा है तो अपने वीडियोस को कवर करो, आपका दो चैप्टर कंप्लीट होने को आ रहे हैं। आप यदि किसी वीडियोस को मिस कर रहे हैं तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं आपसे कह रहा हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सभी बनना चाहें आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।